कोटा में एक कार्यक्रम के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की तरफ से जयपुर के विकास को लेकर कसे गए तंज पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। बता दें, जन टीवी से खास बातचीत करते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि धारीवाल जी चमचागिरी बंद करें, कोटा पर ध्यान दें, जयपुर के विकास को कोई नहीं रोक सकता है। खाचरियावास ने कहा कि जिस कार्यक्रम में धारीवाल ने 3 मंत्री और 2 विधायकों को लेकर तंज कसा, उस वक्त वहां पर असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया थे। उनके सामने उन्होंने गलत बोला, उन्हें चमचागिरी बंद करनी चाहिए। जयपुर हेरिटेज में जो विवाद चल रहा था मेयर और अधिकारियों के बीच, कल उसका निपटारा हो गया। हालांकि मेयर की तरफ से कहा गया था कि जो धरना है वो 10 दिन के लिए स्थगित किया गया, समाप्त नहीं किया गया। इस पूरे मुद्दे पर और अन्य मुद्दों को लेकर मेरे साथ चर्चा के लिए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है। प्रताप जी, क्या लगता है कि जो विवाद था कल, रंधावा जी ने इस विवाद में बातचीत भी की, आप लोग भी पहले मिले, फिर मेयर भी मिले और फिर धरना स्थगित कर दिया गया, मसले की अगर बात करें तो सॉर्ट आउट हो गया पूरा मसला? बात खत्म हो गई। अब कल की बात, कल आपको पता है सब सामने आ गया, अब धरना वगैरह समाप्त हो गया, तो इस तरह की पॉलिटिक्स में तो बातें आती रहती, अपने आप खत्म भी हो जाती, खत्म हो गई अब सब। एक बड़ा मसला ये है कि यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल कोटा में कहते हैं कि जयपुर में, जयपुर के 3 मंत्री 2 विधायक, इसके बावजूद जयपुर का विकास नहीं हुआ, कोटा का विकास अधिक हुआ है। क्या लगता है जयपुर के 3 मंत्री 2 विधायक के बावजूद, क्योंकि आप शहर अध्यक्ष भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं, यहाँ विकास नहीं हो रहा? राजस्थान में सबसे ज़्यादा विकास जयपुर में हुआ है, जयपुर विकास के मामले में नंबर 1 है। धारीवाल जी क्या कल चमचागिरी में लगे हुए थे कटारिया जी की, उनसे नंबर ढूंढ रहे थे, उनको शायद पता नहीं है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, देश का कांग्रेस के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है, उनको अपने नेताओं की चिंता नहीं है, उनको आजकल नया काम शुरू कर दिया। तो ऐसे धारीवाल जी यदि इतना जोश आ रहा है बीजेपी को, नेताओं को देख के कांग्रेस के नेताओं की बुराई करते हैं, तो क्यों बैठे हैं कांग्रेस में, क्या कर रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रही। इतने उत्तेजित हो गए वो कटारिया जी की चमचागिरी में लग गए, मुझे तो आश्चर्य, क्यों उन किसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो, कोटा से ज़्यादा विकास हुआ है। धारीवाल जी की मेहरबानी से जयपुर के 3 मंत्री और 6 विधायक काम नहीं करते। राजस्थान में अशोक गहलोत तो कोई भेदभाव कर नहीं रहे डेवलपमेंट के मामले में, प्रभारी मंत्री होने के बावजूद धारीवाल जी ने एक भी मीटिंग ली नहीं जयपुर की, जयपुर के लिए कोई काम किया नहीं। आप जिस आदमी की नीति और नियत में खोट होता है ना, फालतू की बयानबाजी करता है, इनकी आदत है रास्ते चलते पत्थर फेंकना, बेवजह फालतू की डायलॉगबाजी करना, इस उम्र में उनको शोभा नहीं देता। तो धारीवाल जी जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं वो खुद को संभाले, उनकी मेहरबानी से जयपुर में विकास नहीं हुआ, जयपुर में विकास कोटा से ज़्यादा हुआ है, और हमारे में दम है काम कराने का, हमको काम कराना आता है, उनको जितना जोर लगाना है ना उतना जोर लगा ले, जयपुर का विकास रोक के बता दे, हमें हमारी राजनीति आती है, वो तो खुद लड़ते रहते हैं रामनारायण मीणा से, भरत सिंह कुंदनपुर से, कोटा के लोकल MLA के किसी का काम नहीं करते वो। एक बड़ा सवाल, एक सवाल और है, कल वेणुगोपाल रात को जयपुर आए थे, अशोक गहलोत के साथ उनकी एक लंबी मीटिंग भी हुई, राहुल गांधी भी स्वदेश लौट आए, क्या लगता है सचिन पायलट अशोक गहलोत का जो विवाद है कुछ दिनों में सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि चुनाव सर पर है? देखिए, ये सब मुद्दे मेरी जानकारी में नहीं, और कल मैं, मेरे परिवार में कोई शादी फंक्शन था उसमें गया हुआ था, मेरी जानकारी। ये थे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मंत्री धारीवाल ने जिस तरह की बयानबाजी की वो सही नहीं है, और जहाँ तक जयपुर की बात है तो जयपुर में बेहतर से बेहतर विकास हुआ है, और ख़ास तौर पे धारीवाल को इस तरह से जो बयान देते हैं उससे बचना चाहिए, ये मंत्री प्रताप सिंह की तरफ से कहा गया है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि धारीवाल की तरफ से भी कोई जवाब आता है या नहीं। कैमरा पर्सन मनोज हरित के साथ दशरथ सिकाव, जिन टू न्यूज़, जयपुर।